दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आपके स्टॉक के बारे में बताया था, तभी मैंने आपसे बात किया था कि मार्केट कल नेगेटिव हो सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्लूज। तो ग्लोबल मार्केट जैसा कि नेगेटिव था, और जैसे कि कोरोना के नए वेरिएंट्स के बारे में जो कि ये हो रहा था, नेगेटिव न्यूज आ रहा था, तो अपना मार्केट भी वही नोट के ऊपर नेगेटिव खुल गया। बैंक निफ्टी जो है कि अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है उसके ऊपर आ गया। तो बैंक निफ्टी का भी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 35,000, ये ब्रेक करता है कि ये होल्ड करता है, ये हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 20 जुलाई को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोला हूँ और स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाते रहते हैं, डेली वे वीकली हूँ, और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोज है, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। दोस्तों, मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आने वाले 24 तारीख को हमारे एक फ्री वेबिनार है फ्यूचर ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर। जिनको भी फ्यूचर ऑप्शन सीखना है, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबिनार का लिंक है, वहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी देखने के पहले एक बार निफ्टी पे हम लोग यहाँ पे नजर मारते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि निफ्टी यहाँ पे जो डाउन है 171 पॉइंट, बैंक निफ्टी है 672। तो पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी ने अपना इम्पोर्टेंस लेवल है 15,700, ये भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, होल्ड किया है। और जैसे कि निफ्टी का जो यहाँ पे 2 बार बॉटम बना था 15,633, तो ये लेवल है, ये निफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होगा जब भी कल निफ्टी जो है कि ट्रेड करने लगेगा। वैसे देखा जाए तो निफ्टी यहाँ से एक ऑल टाइम हाई करने के बाद यहाँ से फिसला हुआ है, और बहुत ही अच्छी तरह नीचे फिसला है। आज का जो कैंडल है, डाउन आने के बाद भी एक डोजी कैंडल बना है, तो शायद निफ्टी को नीचे से भी यानी 15,700 से यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन हमको लेवल पे काम करना है। जैसे कि आपको यहाँ आने तक लग रहा था कि मार्केट और ऊपर जाएगा और ब्रेकआउट करेगा, फंडामेंटल न्यूज आने के बाद मार्केट जब नीचे आया, तो आपको नीचे के लेवल को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैं जैसे ऑलवेज कहता हूँ कि लेवल को रिस्पेक्ट करो। तो मार्केट जब तक 15,700 के यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो अच्छा है। लास्ट जो कि अगर ज़्यादा ब्रेकआउट होता तो 15,633 का एक यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। आज का जो कैंडल आया है उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि शायद जो मार्केट आज का कैंडल है उसके अंदर यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है। आज का जो लो अगर ब्रेक करता है तो कल फिर से एक सेलिंग आएगा और नेक्स्ट लेवल रहेगा 15,633। मार्केट को फिर से रिकवर हो रहा है, तो 15,821 का ये जो लेवल है लगभग एक कैंडल के हाई पे आता है। तो इसके ऊपर अगर कल क्लोज होता है तो एक अच्छा मिस बुलिश ट्रेंड या फिर शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। इंट्राडे के लेवल क्या लेवल रहेंगे, हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखिए, मार्केट जैसे कि गैप डाउन भी खुला, तो लगभग एक अपने लेवल से यहाँ से कवर हुआ, और 15,831 का जो एक रेसिस्टेंस है मार्केट ने बहुत अच्छी तरह लिया, जो 5 मिनट का अपना लेवल है। फिर डेली के लेवल को भी इसने रिफ्लेक्ट किया, और नीचे अभी एक 5 मिनट का लेवल था 15,700 लगभग, वहां से ही मार्केट कवर हुआ है। तो कल जैसे कि अगर आपको शॉर्ट करना है 15,700 के नीचे ही यहाँ पे आप शॉर्ट करो बाइंग के लिए। 15,774 का जो ये मेरा लेवल है, और तो इसके ऊपर ये भी डेली का लेवल है, इसके ऊपर जाते तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे देखिए कि बैंक निफ्टी थोड़ा पैनिक दिख रहा है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, राउंड फिगर है 35,000। अगर हम लोग थोड़ा सा इसका स्टडी करेंगे 35,000 का, तो यहाँ पे लगभग ए लेवल पे गैप बना के ए लेवल से गया था, नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया था और आज सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे ए लेवल पे मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो जब मल्टीपल टाइम आता है तो थोड़ा सा एक डेंजर होता है कि ए लेवल ये बैंक निफ्टी ने ब्रेक करना नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी को कवर होना है, तो आज का जो हाई था लगभग अपना एक लेवल भी है 35,347, इसके ऊपर कल यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी जाके क्लोज होता है तो एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है। और जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी गैप जो आए हैं, ये दोनों के भी गैप अगर 2 दिन में विद इन 2 डेज अगर फिल होते हैं तो एक अच्छा बुलिश साइन होगा। अगर ये गैप फिल नहीं होते हैं 2 दिन में तो एक थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकता है। आपको अपने लेवल के ऊपर यहाँ पे
ये देखना है कि आपको लेवल क्या है। तो 35,000 अगर ब्रेक होता है तो एक थोड़ा पैनिकनेस आ सकता है। तो अभी कल के लिए आपको थोड़ा सा एक केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा कि अगर 35,000 जब भी क्लोज होगा तो एक थोड़ा सा नेगेटिव व्यू हमको रखना पड़ेगा। हम लोग इंट्राडे में भी देखते हैं कि कौन से लेवल हो सकते हैं। तो देखिए कि इंट्राडे के चार्ट में ऑलमोस्ट जो अपने लेवल थे, अगर ऊपर से भी गैप डाउन हो गया 35,347 का लेवल देखिए कि एकदम परफेक्ट यहाँ पे वर्क हुआ। और जैसे कि नीचे लगभग अपना जो 15 मिनट्स का एक लेवल था 34,938, यहाँ पे ही सपोर्ट लिया और यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लिया। तो कल अगर आपको सेल करना है तो ए लेवल रहेगा 34,938 के नीचे ज़्यादा तो आप सेल कर सकते हो। और मोस्टली 35 जो ए लेवल है इसके नीचे भी ये नेगेटिव हो सकता है, बट ये लेवल अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है। नेक्स्ट बाइंग के लिए अगर आपको देखना है तो ये देखिए कि आज ये लेवल से 15 मिनट्स का लेवल है 35,191, ये लेवल से रिटेस्ट करके नीचे आया तो ये उके ऊपर जाता है तो आप कल बाइंग कर सकते हो। दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था जितने में मैं बाइंग के कॉल दे दूँ, अगर मार्केट पॉजिटिव है तो ये बाइंग कीजिए। तो जैसे कि मैंने रिलायंस का जो आपको लेवल दिया था एक बार ऊपर जाके आया लेकिन फिर नीचे आया, देन HDFC बैंक को मैंने आपको सेल का लेवल बताया था तो ये सेल का लेवल के 1485 के नीचे देखिए कितना बहुत ही अच्छा गिरावट हुआ। तो मैंने जैसे कि आपको ऊपर वाले नज़दीक वाले भी लेवल दिए थे और दूर वाले भी, तो नज़दीक वाला जो लो का लेवल था ये ब्रेक होने के बाद बहुत ही अच्छा ये यहाँ पे नीचे आ गया। नेक्स्ट डीवी लैब मैंने बाइंग के लिए दिया था, ये ऊपर तो गया लेकिन जैसा मैंने कहा था कि अगर मार्केट निगेटिव तो बाइंग के कॉल मत करो। देन हमने ग्रासिम दिया था, तो ग्रासिम मैंने आपको डिलीवरी भी दिया था, तो डिलीवरी में कभी करना है जो है कि 1578 के ऊपर जिस दिन क्लोज हो जाए तो आपको डिलीवरी में करना है। और इंट्राडे में ये लेवल आया नहीं तो आई इनिशिएट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बजाज फाइनेंस और ये थोड़ा नीचे गया था जो कि हमने सेल के लिए दिया था। कल के लिए मैं कुछ आपको कम कॉल देता हूँ क्योंकि मार्केट अभी जब नीचे आया तो स्टेबल नहीं कि यहाँ से ये रिवर्स भी हो सकता है इतना गिरने के बाद, तो यहाँ पे हमको कम कॉल करनी चाहिए। शायद हम निगेटिव सोच रहे हैं तो कल मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज जा सकता है या फिर थोड़ा रिकवर भी हो सकता है। तो कल के लिए मैं पहला स्टॉक देखता हूँ कोल इंडिया। तो यहाँ पे कोल इंडिया ये मल्टीपल टाइम ये लेवल पे आया है और ये जो लेवल है 143.60 का, तो ये लेवल अगर कल ब्रेक करता है तो मोस्टली इसका नेक्स्ट टारगेट थोड़ा बड़ा आएगा, 138 तक ये आ सकता है क्योंकि बीच में कोई भी सपोर्ट हाई नहीं है। नेक्स्ट जो स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी, तो जैसे कि हमने कोल इंडिया सेल के लिए तो हम लोग एक बाइंग का भी स्टॉक देखते हैं डॉक्टर रेड्डी। ये ऊपर के लेवल पे डॉक्टर रेड्डी बार बार जो है कि रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर थोड़ा सा कल पॉजिटिविटी आता है तो 5445 के ऊपर 5445 के ऊपर अगर जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हो, 5518 का टारगेट आ सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ कवर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है ऐसा कुछ भी नहीं, कल मार्केट ऐसे ही चलना चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों अगर मेरे साथ आपको फ्यूचर और ऑप्शन स्ट्रेटेजीज और कॉल पुट कैसे ट्रेडिंग करना है सीखना है तो आने वाले सैटरडे को जो है कि 24 तारीख को मेरे साथ आप सीख सकते हो बिल्कुल फ्री। हमारा एक फ्री वेबिनार है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।